हाँ सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंटिन्यू विथ सम वायरल डिजीज. पोलियो, एंड यू पीपल आर अवेयर ऑफ टर्म पोलियोमायलिटिस. सो पोलियो इट इज अ वायरल डिजीज. सो वॉट इन दिस केस हैपेंड, मेनली इट अटैक नर्वस सिस्टम. ओके attack nervous system. So how it reaches to nervous system? Now what happened, जो पोलियो वायरस होता है, let me show. पोलियो वायरस enters body orally. Okay. Then what happen? Then it goes to intestine. And here it multiplies. Okay. यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है. वायरस मल्टीप्लाई इन इंटेस्टाइन. देन इट एंटर्स ब्लड. एंड देन ट्रेवल्स टू सेंट्रल नर्वस system. And what are the symptoms? The symptoms includes loss of reflexes. Okay, deformed limbs. Sudden paralysis, it may be temporary or permanent. And what else? So it is the loss of reflexive deformed limb, sudden paralysis. So it is about the viral polio. Okay. Orally, then intestine, then blood, then central nervous system. Four steps are there. And the vaccinations should be given. It is necessary to immunize all children below 5 years of age with oral polio vaccine. With oral polio vaccine. Next, we will discuss rabies. Rabies, this also you have heard.
So rabies, it is caused by virus rabies. And one more thing about this disease is that this disease can be prevented. Prevent हो सकती है but ये cure नहीं हो सकती है. Okay? So how it is transmitted to human beings? क्या होता है जो rabbit animals है, मतलब animals which is suffering from rabies virus, जिनके में rabies virus है, जैसे dog हुआ, वो bite कर लेगा, so then it will be transmitted to human beings through saliva, and then it will enters to blood. फिर ब्लड से कहाँ जाएगा वो, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो सेकंड इज रेबीज वायरस इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बीइंग्स through saliva of rabid animals if they bite. Okay, जब bite करेंगे तब, फिर ये जो virus होता है virus enters blood and then किसका, of bit animals. जिसको bite किया है उसको, ठीक है, ब्लड एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड फाइनली इट डिस्ट्रॉयज स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन ऑफ द पर्सन. व्हाट आर द सिम्टम्स? सिम्टम्स मेनली इंक्लूड demonstrates hydrophobia. Hydro related to water and phobia means fear, means fear from water. And other symptoms includes contraction of throat muscles. Okay. And finally the person also dies. So it is all about the rabies. Now comes to pasture treatment. Loose pasture is known. So ये क्यों start pasture treatment में था कि अब जैसे rabies से it is a vaccination for rabies to prevent the occurrence of rabies, pet dogs and cats should be vaccinated properly. तो जो रेबी डॉग्स होते हैं, जिनको रेबीज, जिन डॉग को रेबीज होता है, वो लोग में सलाइवेशन बहुत होता है, सलाइवा बहुत ज़्यादा निकलता है, और लोग थोड़े मैड होते हैं, पागल कुत्ते जिस तुम लोगों ने सुना है ये सब. तो अगर वो डॉग किसी को भी बाइट कर लेंगे तो उस पर्सन को भी हो जाएगा. ओके, सो व्हाट हैपन, द एंटी रेबीज वैक्सीन डेवलप किया था. पैश्चर ट्रीटमेंट क्या था? एंटी रेबीज वैक्सीन डोसेस, दिस इज कॉल्ड पैश्चर ट्रीटमेंट.
ट्रीटमेंट एक्चुअल में होता है क्या है? पैश्चर ट्रीटमेंट ने क्या, लुईस पैश्चर ने क्या डिस्कवर्स किया था इसमें? एंटी रैबीज वैक्सीन। फॉर एंटी रैबीज वैक्सीन यहां पे लिख दो डेवलप एंटी रैबीज वैक्सीन। तो इसमें क्या था, इन दिस केस व्हाट हैपेंड? पैश्चर मेड द वायरस, पैशन ने पहले क्या किया था, मतलब पैशन टीम में क्या था, ये एंटी रेबीज वैक्सीन है, वैक्सीनेशन है। पैशन ने क्या किया था, वायरस को लेस डेंजरस बना दिया था और ह्यूमन होस्ट में ट्रांसफर कर दिया था। ओके, तो वो रिकग्नाइज, हमारी जो बॉडी है उसको एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि वो रिकग्नाइज कर सके उसको एज अ एंटीजन एंड डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस डिजीज रेबीज। ठीक है, एक्चुअली बस इतना याद रख लो, वायरस को लेस डेंजरस बना दिया था और हमारी बॉडी ये जो धीरे धीरे इम्यूनिटी डेवलप कर ली किसके अगेंस्ट, इस डिजीज के अगेंस्ट। इम्यूनिटी मींस क्या होता है, इम्यूनाइजेशन मींस डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी बाय द बॉडी अगेंस्ट अ पैथोजन। आई एम सेइंग अगेंस्ट अ पैथोजन थ्रू वैक्सीनेशन इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इम्यूनाइजेशन में क्या रहता है, बॉडी को जो है इम्यूनिटी डेवलप करते किस अगेंस्ट अ पैथोजन थ्रू वैक्सीनेशन। सो पैशन ने वायरस को लेस डेंजरस बना दिया था टू ह्यूमन होस्ट। दिस इज प्रोसेस। Body enough information to recognize the antigen and develop immunity to wild version। तो पैशन ने क्या किया था, वायरस को लेस डेंजरस बना दिया ह्यूमन होस्ट के लिए और हमारे बॉडी में वो इन्फॉर्मेशन डेवलप हो गया कि वो रिकग्नाइज कर सके एंटीजन को वाइल स्टिल गिविंग द बॉडी इनफ इन्फॉर्मेशन टू रिकग्नाइज द एंटीजन एंड डेवलप इम्यूनिटी टू वाइल्ड वर्जन ऑफ डिजीज। ठीक है, वो रिकग्नाइज करने लगे एंटीजन को एंड डेवलप इम्यूनिटी, इम्यूनिटी डेवलप होगी अगेंस्ट दिस डिजीज। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द information. Next we will discuss the AIDS. So antigen here means, antigen means substance that causes our immune system to produce antibody against it. मतलब ये stimulate करता है immune response से, तो ये help करेगा virus से, रेबीज वायरस से फाइट करने में। और ये जो एंटीजन रहते हैं यूनिक रहते हैं पर्टिकुलर पैथोजेंस के। ओके, सो व्हाट इज एंटीजन हेयर मींस, इट इज नॉट इन डिटेल, ज़्यादा मत जाओ इसमें। एंटीजन क्या होता है, सब्सटेंस होता है जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं, ट्रिगर करते हैं और हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने में। ओके, और वो एंटीबॉडीज जो है वो फॉरेन सब्सटेंस को, फॉरेन सब्सटेंस से फाइट करी। और यहाँ पे फॉरेन सब्सटेंस क्या है, रैबीज वायरस, रैबीज। तो
तो हमारी बॉडी में एंटीजन डेवलप हो जाएगा, और एंटीजन मतलब सॉरी मतलब वो इन्फॉर्मेशन डेवलप हो जाएगी और हेल्प करेगा इम्यूनिटी को डेवलप करने में, और जब इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी इसके अगेंस्ट, इस डिजीज के अगेंस्ट। ओके स्टूडेंट्स।